हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल और आप लोग देख रहे हैं गुरु चैनल। तो गाइस, आज मैं आपको एक एडाप्टर से चार्जर बनाकर दिखाने वाला, जिसकी मदद से आप अगर अपने चार्जर को अगर कट भी नहीं करोगे तो आप उससे सिंपली मोबाइल भी चार्ज कर सकते हो और अलग से बैटरी से भी चार्ज कर सकते हो या लाइट भी जला सकते हो। तो चलिए वीडियो देखते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमें एक 5 वोल्ट का एडाप्टर की जरूरत पड़ेगा। तो ये देखिए, ये मेरे पास एक 5 वोल्ट का एडाप्टर है। ये देखिए, इसे आप मैजिक चार्जर भी बोल सकते हो। ये वो चार्जर है, आप देख सकते हो इसमें कितनी एलईडी लगी हुई है। 7 एलईडी लगी हुई है, आप देख सकते हो। तो हमें एक ले लेना है और हमें एक सेल वाली बैटरी लेना है, क्योंकि ये हमें ज़्यादा बैकअप देगी। दो क्लिप लेनी है इलेक्ट्रॉनिक वाली। ये देखिए, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, तो आपको दो ले लेना है। एक एसी केबल, एक मोबाइल केबल चार्जर चाहिए, दो वायर्स और एक डायोड। ये IN4007 वैल्यू का एक डायोड है, तो आपको भी सिंपली ले लेना है। तो चलिए अब हम इसे बनाते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमें यहाँ पर बैटरी के कनेक्शन करना है। तो आप ये यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये बैटरी का पॉजिटिव है और ये बैटरी का नेगेटिव। तो बैटरी के पॉजिटिव में हमें सबसे पहले डायोड को लगा देना है। तो डायोड के जो ये सिल्वर और प्लेट है, इसे हमें बैटरी में लगाना है, और जो ये ब्लैक वाला है उसे हमें डायरेक्टली चार्जर के साथ कनेक्ट कर देना है। अगर आप इसे नहीं लगाते हो तो आपकी बैटरी शॉर्ट कर सकती है, क्योंकि ये बिजली को डायरेक्ट शो करती है। तो मैं पहले इसे सोल्डरिंग कर लेता हूँ। तो हमने यहाँ पर डायोड को लगा लिया है। तब तो हमें बैटरी के पॉजिटिव को डायोड के साथ सोल्डर कर देना है इस तरीके से, और एक वायर हमें डायरेक्टली किट के नेगेटिव पॉइंट में हमें लगा देना है। तो मैं इसे सोल्डरिंग कर लेता हूँ। तब हमें एसी केबल को भी लगाना है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो आप पिंस देख रहे हो यहाँ पर, तो ये हमारा एसी वाला केबल है। तो मैं इसे यहाँ पर लगा देता हूँ। एक वायर हमें यहाँ लगाना है और दूसरा वायर हमें यहाँ पर। तो हमने बैटरी को भी सोल्डरिंग कर लिया है, केबल को भी सोल्डरिंग कर लिया है। तब हमें चार्जर को भी सोल्डर कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, एक वायर हमें डायरेक्टली नेगेटिव में लगा देना है और एक वायर हमें यहाँ पर लगा देना है डायोड के ब्लैक वाले पॉइंट में। तो अब हमें ये पिंस को भी साथ में फिट कर देना है। तो सेम इसे डायरेक्टली बैटरी के साथ कनेक्ट कर देना है, एक बैटरी के नेगेटिव में और दूसरा पॉजिटिव में। तो मैं इसे सोल्डरिंग करता हूँ। तो गाइस, हमने यहाँ पर पूरा सेटअप अप कर लिया है। तो आप देख सकते हो, मैंने मोबाइल को भी लगा लिया है। तो मैं सबसे पहले एलईडी को आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए, मैंने आपको ये नेगेटिव है तो मैं नेगेटिव में लगा देता हूँ, और ये पॉजिटिव है तो मैं पॉजिटिव में लगाता हूँ। तो ये देखिए, ये लाइट स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर चार्जर के सर्किट को एक साथ फिट कर लिया है। तब मैं स्विच को ऑन करता हूँ। ये देखिए, हमने स्विच को ऑन किया है, ये बैटरी अब स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये लाइट इंडिकेट कर रहा है। तो दोस्तों, ये तो लगता है केबल ख़राब है, जिसके कारण से ये मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप इसकी जगह अगर केबल लगा देते हो तो ये वर्क करेगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो मैंने इसे ध्यान से देखा नहीं कि ये ख़राब हो गया है, तो ये केबल ख़राब है जिसके कारण से ये चार्ज नहीं हो रहा है। लेकिन आप देख सकते हो कि इस तरह से आप डायरेक्ट एक कनेक्शन कर सकते हो, एक ही साथ मोबाइल भी चार्ज कर सकते हो और घर पे जो एलईडीज होती है उससे भी कर सकते हो। क्योंकि अगर आप अपने मोबाइल चार्जर को कट कर देते हो तो या तो आप उससे फिर लाइट ही जला सकते हो, अगर आप कट नहीं करोगे तो आप मोबाइल ही चार्ज कर सकते हो। इसीलिए मैंने आपको ये सर्किट बना करके दिखाया है। तो गाइस, आपने देखा कि कितनी अच्छी तरह से ये वर्क किया। मैंने इसमें एलईडी को लगाया था, चार्जर को भी लगाया था, लेकिन चार्जर खराब होने की वजह से मैंने आपको उसे चेक करके
दिखाया लेकिन वो वर्क नहीं किया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे में दबा दीजिएगा, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। तो मैं मिलूंगा इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।